जी तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? यार उम्मीद करता हूँ यार आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो यार वेलकम करते हैं आप लोगों का हमारी वीडियो में। हमारे चैनल लव फॉर बर्ड्स को यार सब्सक्राइब लाजमी कर दो। उसके बाद जो आज का हमारा यार टॉपिक है वो अपने बर्ड्स के लिए, मतलब जो हमारे लव बर्ड्स हैं उनके डाइट के मुतलिक है कि यार अपने बर्ड्स को समर और क्या डाइट देनी चाहिए। तो डाइट के मुतलिक आज फ्रूट डाइट हम लेकर आए हैं अपने बर्ड्स के लिए, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि हम क्या लेकर आए हैं। तो ये देख सकते हैं, सबसे पहले ये अनार है, मैंने कुछ अनार ले लिए। तो उसके बाद ये मैंने एप्पल है, सेब है, ये भी नए नए आए हैं तो मैंने ये ले लिए हैं उनके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो उसके बाद इसको कट कर लिया है, तो अब इनको डालते हैं सारों को, मतलब कि अपने सबसे पहले तो लव बर्ड्स को डालेंगे, बहुत शौक से खाएँगे फ्रूट्स। तो ये इनके लिए बहुत अच्छी डाइट है, हेल्थी डाइट है, बहुत शौक से खाते हैं और बहुत खुश होते हैं इस डाइट को खा कर। तो चलते हैं फाइनली अपने बर्ड्स की तरफ, उनको ये डालते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। जी तो दोस्तों यार इधर हमारा दाना पानी पूरा है, क्योंकि कल मैंने डाला था पानी पहले से, या दाना कल का पड़ा हुआ है बचा हुआ है। तो इधर भी मैंने दाना पानी डाल दिया पहले से, बर्तन वगैरह साफ करके। ये पानी है, ये भीगी रोटी है कबूतरों के लिए दाना, ये फीड है डक्स के लिए। उसके बाद चलते हैं यार अपने बर्ड्स की तरफ। तो सबसे पहले देख रहे हैं हमारे लव बर्ड्स, लव बर्ड देखें उनकी जो फ्रूट डाइट है वो मेरे पास है, वो मैं इनको डाल देता हूँ, खुद ही खा लेंगे भी थोड़ी देर में। मान खान आ गए, इसको इससे भी मिल लें, आज काफ़ी दिन हो गया मान नहीं है। तो मान कह रहा मैंने मामू आना है, तो ये आ चुके हैं, गया हुआ था एक्चुअली कहीं। चले भी सुशी मान सबको पहले सलाम वालेकुम कर, पहले सलाम वालेकुम कर, क्या सबको सलाम वालेकुम, क्या सबको सलाम वालेकुम कह रहा भाइयों। उसके बाद चले भी सुना जोर से, ए बी सी डी ऊ एफ जी, चलो ये पूरी हो गई। तो इनको मैंने डाल दिया दाना पानी, उसके बाद हम इनको खोलते हैं। हमने बेबी डक्स खोल दी है, देख लिए जा रहे हैं। ये पिजन्स भी मैंने, पिजन्स को भी निकाल दिया मैंने, इनका दरवाज़ा भी मैंने खोल दिया, ये भी खुद ही बाहर आ जाएंगे। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं खाते हुए, सारे अपना अपना खा रहे हैं। थोड़ा सा दाना डालना पड़ेगा फिर आएंगे, ऐसे तो ये नहीं आ रहे। फाइनली ये भी आ चुके हैं भाई, सच याद आया अपनी फिंचेस को बाहर, यार अपने स्पैरोस को निकालते, अपने बेबी स्पैरो को निकालते हैं बाहर। स्पैरो से मिलते हैं, ये क्या कहता है हमें, काटता है या नहीं देखते हैं आज। हाँ दोस्त कैसे हो, ये तो दोस्तों ये हमारे बेबी डक्स देखे कैसे नहा रहे हैं पानी में, कितने क्यूट लग रहे हैं। उसके बाद ये स्पैरो बेबी हमें देख लें, काटने को दौड़ रहा है अभी भी, ये देखिए, ये देखिए अभी भी पाड़ रहा है, हम इसके मतलब ख्याल रखते हैं, ये हमें काटता है, मेरी मर्जी है इसकी, क्या कर सकते हैं। तो इसको हमने दाना खाना, इसने फाइनली खा लिया होगा क्योंकि इनके बर्तन में पहले से था। ये मैंने कुछ अनार बचा के रखा था, शायद ये खा ले, देखते हैं खाता है, खा रहा है, भागता है यार ये तो। खा रहा है यार, खा रहा है, ये मुझे भी खा रहा है साथ में, अनार भी खा रहा है।
मजा आ रहा है इसको। थोड़ा सा दाना लेता हूँ, वो खिलाते हैं इसको अपने हाथ पे। ना तो इतना शौक से नहीं खा रहा है। एक्चुअली इसका पेट फुल है तो इसलिए नहीं खा रहा। पानी पिलाते इसको अपने हाथ। पानी पी रहा पीले यार, पानी भी पी रहे इसमें जितना पी रहा। दाना ये वाला खाएगा जी। तो दोस्तों ये देख सकते हैं फाइनली दाना भी खाना स्टार्ट कर दिया इसने हमारे हाथ पे। तो दूर देखिए कितनी हवा चल रही है, लेकिन धूप बहुत तेज है यार, धूप बहुत तेज है। तो ये देखिए सारे बर्ड अपना एंजॉय कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, कुछ घूम फिर रहे हैं। इन्होंने उनको हमने काफ़ी ज़्यादा दाना डाल दिया था, उनकी मतलब डाइट से ऊपर ही है। और जो इनकी मर्जी है, हमारे लवबर्ड ने भी खाना नहीं स्टार्ट किया, तो इनका मैं करता हूँ हल, थोड़ा सा दाना मैं इसके ऊपर डाल दूंगा, इनको पता चल जाएगा तो ये खुद ही स्टार्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा दाना देखते हैं ना तो खुद ही आ जाएंगे अपनी जगह पे। अभी इनको ना ज़रा पहचान नहीं हो रही, तो जब पता चल जाएगा एक ने खाना स्टार्ट कर दिया तो सब ने खुद ही नीचे आ जाना। तो अभी इनको मैं डालता हूँ दाना, फिर खुद ही स्टार्ट हो जाएंगे। ये हमारा देखें काट रहा है, मर्जी है इसकी। बेबी स्पैरो है ये, बेबा स्पैरो देख लें। और हम इसको देते हैं, ये ले बेबी स्पैरो, ये देखें डरता है। मान खान साहब देखे भाग चुके हैं, देखे जरा मेरे पीछे छुप रहा है। ये ले छुप गया है दोस्तों। तो बर्ड्स देखे यार कितना क्यूट लग रहा है, खाते पीते अपना एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों यार वेलकम बैक हो गया आप लोगों का हमारे ब्लॉग में। देखे मौसम कितना प्यारा है, बारिश हो रही है। तो अपने बर्ड्स को देखें जरा, परिंदे कैसे घूम फिर रहे हैं, अपना एंजॉय कर रहे हैं बारिश में। तो हमने सोचा क्यों ना यार बारिश हो रही है तो इनके पास जाते हैं। मौसम बहुत कमाल का हो रहा है, जरा देखें बादल कितने प्यारे आए हुए हैं। तो ये अपनी चिड़िया वगैरह सारी बाहर निकाल दी हैं, अपने परिंदों को बाहर निकाल दिया। देखिए कितना खुश है, घूम फिर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तो देखें सारे कैसे घूम फिर रहे हैं, मज़ा आ रहा है, इनको इंजॉय कर रहे हैं। मौसम बहुत कमाल का लाजवाब और बहुत प्यारा और खुशगवार हो चुका है दोस्तों। तो बारिश भी तेज होती जा रही है, जरा थोड़ा सा नहा ले फिर इनको बंद करेंगे। अभी जरा ये एंजॉय कर ले, देखे किस तरह जरा अपने परों को कर रहे हैं, एंजॉय कैसे कर रहे हैं। जरा देखे मौसम के मजे कैसे लिए जा रहे हैं, देखे जरा। देखे सारे परिंदे अपने अपने घरों को जा चुके हैं। तो हम जरा कर रहे हैं पेंट, देखते हैं हमारा पेंट कामयाब होता है या नहीं होता। दोस्तों यार आप लोगों ने हमारी वीडियो देखी, बारिश बहुत होना स्टार्ट हो गई है। तो सारे बर्ड्स अपने अपने घरों को जा चुके हैं, हमने भी सामने पेंट कर दिया, हमें पेंट मिला, बारिश में पेंट कर दिया यार दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक लाजमी कर देना, और हमारी फ्रूट डाइट आप लोगों को कैसी लगी
और हमारे चैनल यार लव फॉर बर्ड्स को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। उसके बाद यार मिलते हैं यार आप लोग को एक न्यू वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों यार अल्लाह हाफिज़। देखे सारे बर्ड्स अपने अपने घर को जा चुके हैं।